हेलो बच्चों, तो कैसे हो बेटा? सब लोग क्या हाल चाल है? बढ़िया मस्त। तो होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे अपने लेक्चर। लास्ट केमिस्ट्री निपटा है तो अभी अपन फिजिक्स स्टार्ट करने वाला है। फिजिक्स का लेक्चर जो अपना यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड वाला लेक्चर अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थर्ड जो लेक्चर है, होप आपने पहले वाले दो लेक्चर अच्छे से समझे होंगे, उन पे वर्क ऑन किया होगा। वर्क ऑन मतलब अपनी शीट की जो एक्सरसाइज है वो आपने ट्राई की होगी। हो सकता है आपसे बने या नहीं बने, पर ट्राई जरूर करना है। और उम्मीद भी यही है कि आप वो कोशिश कर रहे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। ठीक है, अपन ने अभी तक जाना यूनिट एंड डायमेंशन में। यूनिट के बारे में जाना, डायमेंशन के बारे में जाना, डायमेंशन क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशन जो होती है वो पावर होती है। फिर अपन ने कुछ डिराइव की डायमेंशन, फोर्स की, मास की, वर्क की, ये सब अपन ने जाना। अब अपन ने कल जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था एरर, ठीक है, एरर के बारे में अपन ने जाना था। बेसिक बेसिक ये था कि अपन जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपन से गलतियां हो जाती है, क्योंकि अपन है इंसान और इंसानों से गलतियां होना लाजमी है। अपन अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं कि मैंने एक बार मेजरमेंट किया, फिर मैं उसको दोबारा करूंगा। जैसे मेरे से एक बार क्वेश्चन नहीं बना तो मैं क्या करूंगा, या तो उसको छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा तो इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, और अगर मुझे इम्प्रूव करना है तो फिर से मेजरमेंट लेना पड़ेगा, फिर से दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। फिर नहीं बना तो फिर से मैंने ट्राई किया और अपनी गलतियों से सीख के इम्प्रूवमेंट किया। अब ऐसे में एन नंबर ऑफ मेजरमेंट किए तो कहीं जाके तो एक मेरा जो वैल्यू आएगी वो एक मेरा सही मेजरमेंट होगा। मान लीजिए मेरे को कुछ लाइन ही ड्रॉ करनी थी। अब मैंने ड्रॉ करने वाली लाइन थी तो मैंने क्या किया, एक बार उसको ड्रॉ किया। हो सकता है पहली बार में वो परफेक्ट लाइन ड्रॉ ना हो सकता है मेरे को एक सीधी लाइन ही ड्रॉ करनी थी तो मैंने ट्राई की सीधी लाइन की, पर हो सकता है ऐसे हुई हो। फिर मैं ट्राई करूंगा दोबारा, फिर मैंने तीसरी बार ट्राई की तो हो सकता है वो तीसरी बार में सीधी हो। तो अपन कोशिश करेंगे तो वो चीज़ सही आएगी। अब क्या होगा, जब अपन बार बार वो चीज़ दोहराएंगे तो हो सकता है उसमें गलतियां होने के चांस कम होते जाएंगे, मतलब उसमें एरर जो है कम होती जाएगी। और अपन जब उसका समीशन कर लेंगे, मतलब मीन निकाल लेंगे, तो अपने अपनी जो वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू के पास जाती जाएगी। ये अपन ने यहाँ पे देखा था कि एरर क्या होती है। एरर एक इंसान जो है मेजरमेंट करते हैं तो गलतियां होती है, ये अपन ने पूरा देख लिया था। एब्सोल्यूट एरर के बारे में अपन ने जाना था कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, कि अपन ने जब एन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट किए, एन नंबर ऑफ मेजरमेंट किए, तो जितनी बार अपन ने मेजरमेंट किया, जैसे अपन ने यहाँ पे मेजरमेंट किए थे, कितने मेजरमेंट किए, एन मेजरमेंट किए, X1, X2, X3, XN मेजरमेंट किया। ठीक है, तो मीन वैल्यू का मतलब एक जो उसका अपन ने मीन निकाला कि मीन वैल्यू मेरी क्या है, कि X1 प्लस X2 प्लस X3 डिवाइड बाई XN तक अपन गए और डिवाइड बाई N, तो वो अपनी क्या है, मीन वैल्यू। अब इसको अपन ने ट्रू वैल्यू भी बोला था। ट्रू वैल्यू क्यों बोला, कि ये लगभग वो जो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू थी उसके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक ट्रू वैल्यू अपने को गिवन होगी। तो मान लीजिए आपको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट की डाटा दिया हुआ हो, कि मेरे को दे दिया X1 कुछ रेंडमली एक वैल्यू है कि 10 किलोग्राम है, X2 20 किलोग्राम है, X3 कुछ है, और उसका मेरे से ट्रू वैल्यू के लमसम क्या होगा, इसका उसका पूछ लिया, तो अपन क्या करेंगे कि अपन क्या करेंगे, उसको सभी को समीशन करेंगे और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ अपन ने डाटा लिया उतना अपन कर देंगे। अब इसमें मीन निकालने वाले अपन एक चीज और जानते हैं कि दो नंबर का मीन क्या होता है। अपने को कोई गिवन नंबर है X1 और X2, X1 और X2 अपने को कोई टू नंबर गिवन है, तो अपन वहां से क्या निकाल सकते हैं कि X1 X2 बाय 2 हो जाता है। ये तो अपन जानते ना कि दो नंबर का मीन ऐसे निकालते हैं, ऐसे एक्स ऑफ नंबर का मीन निकाल लेंगे। अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर क्या होगी। ये तो अपन ने क्या निकाला, मीन निकाला। एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, कि मेरे पहले मेजरमेंट में क्या एरर है। जैसे मैंने पहला मेजरमेंट लिया और मेरे को कुछ लेंथ ही नापनी थी, मान लीजिए मेरे को 5 मीटर लेंथ नापनी थी। ठीक है, अब मैंने वो 5 मीटर लेंथ नापी पर मेरे को वो 5 मीटर एग्जैक्ट करेक्ट ड्रॉ नहीं हुई मेरे से, तो मैंने उसको क्या किया कि 4.9 मीटर भी मैंने लिया। अब देखा जाए तो मेरे से 4.9 लिया तो 0.1 मीटर की एरर होगी। ठीक है, तो ये जो एरर है तो अपन क्या करेंगे, तो एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे उसका, कि उसमें क्या अपने पास डिफरेंस आया, तो डिफरेंस क्या होगा कि मेरी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी कि 5 थी। तो सबसे पहले मीन लेके, जो बहुत सारे अपने को डाटा दिए हुए हैं उन डाटा को कलेक्ट किया, उसका मीन लिया, तो उससे मेरे पास ट्रू वैल्यू है। अब मेरे पास एक एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मैंने जो फर्स्ट में जो एरर की वो मेरे पास आ गया कि मैंने उसको डाटा को 4.9 ही मेजर किया। तो इन दोनों का जब अपन डिफरेंस लेते हैं तो अपने पास एक डाटा आएगा,
ठीक है, वो डाटा डेल एक्स वन होगा। एक्स वन क्या होगा कि ट्रू वैल्यू माइनस अपने पास जो है मैंने मेजरमेंट किया वो हो सकता है, या एक्स वन माइनस एक्स हो सकता है। हो सकता है मैं जरूर थोड़ी 5 मीटर ही मेजरमेंट करूँ, 5.1 भी करूँ, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अपन जो है एब्सोल्यूट जब वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि अपना जो ट्रू वैल्यू आएगी उसमें से अपन जो है अपनी डेटा को घटा देंगे। अब मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब अब अपने पास एन नंबर ऑफ डाटा थे, अब फिजिकल क्वांटिटी में अपन लिखना चाहें तो फिजिकल क्वांटिटी तो अपन कैसे लिखते हैं कि पी क्यू जो होता है वो क्या होता है कि मैंने जो डाटा लिए एक्स जो ट्रू वैल्यू थी वो प्लस डेल्टा एक्स होता है। अब इसका मतलब ये है, ये अगर मीन है तो ये भी मीन में आएगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी। मीन कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्म है। अब वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना उसका मॉड्यूल लें, मतलब उसका जो है अपने को अगर नेगेटिव वैल्यू है तो भी उसको अपन पॉजिटिव करेंगे और उसको सबको ऐड कर देंगे। एन नंबर ऑफ अपने पास जो एलिमेंट है या एन नंबर ऑफ जो अपने पास एक्सपेरिमेंट आया उन सबको ऐड किया डिवाइड बाई नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट अपन ने जितने किए वो। ठीक है, तो इस टाइप से अपन वो देंगे। और जो फिजिकल क्वांटिटी अपन लिखेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि पी क्यू क्या हो जाएगा अपना, पी क्यू हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। अब बात आती है सर प्लस माइनस क्यों हुआ, देखो अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो। अब वो तो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो मेरे को दोनों पॉसिबल वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी ना, कि अगर मैं एक मेजरमेंट ले रहा हूँ और उसमें मेरे को 0.1 की गलती होती है, मैंने जैसे मान लीजिए एक मेजरमेंट लिया कि मैंने किसी डायमेंशन को नापना था वो 5 मीटर था, ठीक है, अब वो 5 मीटर था, अब मैं इसको इसमें 0.1 का एरर होता है तो मेरे से 0.1 का एरर हुआ, 0.1 का एरर हो सकता है अपन यहाँ पे 0.1। अब जरूरी थोड़ी है कि 5 को ज़्यादा ही मेजर करूँ, कम भी तो कर सकता हूँ, इसलिए अपन वहाँ पे क्या करेंगे प्लस और माइनस दोनों साइन यूज करेंगे। और ये अपनी जो हो गई मेजरमेंट की फिजिकल क्वांटिटी, अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इसको इक्वल टू प्लस माइनस 0.1 बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपन अगर माने कि अपना मेजरमेंट एक्स है और ये जो है अपनी एरर हो जाएगी तो डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या होगी। फ्रैक्शनल मतलब उसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। ठीक है, तो अपन फ्रैक्शनल एरर कैसे दे सकते हैं और रिलेटिव एरर कैसे देंगे, डेल एक्स बाय एक्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने को दिया हुआ है तो डेल एक्स बाय एक्स कर देंगे, अपने को यहाँ पे मान लीजिए निकालना है तो अपन क्या करेंगे कि 0.1 डिवाइड बाय अपने पास जो डेटा है 5। ठीक है, अब बात आती है कि परसेंटेज एरर क्या होगी। परसेंटेज एरर अपन निकालना जानते हैं, परसेंटेज क्या होता है, किसी के भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अपने पास क्या है कि अपने पास कुछ डाटा आया था उसको परसेंटेज एरर निकालनी है अपने को, तो अपन क्या करेंगे कि फ्रैक्शनल एरर जो अपने पास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे जो अपने पास आया डेल एक्स बाय एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगी परसेंटेज एरर। यहाँ से अपने क्वेश्चन आते हैं तो इस वाली चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, हो सकता है डायमेंशन निकालना भी आपको अच्छे से नहीं आया हो, क्योंकि कुछ फॉर्मूले आपको पता नहीं होंगे, कुछ चीज़ों के फॉर्मूले आप सीख रहे होंगे, या 11th 12th के 12th वाले फॉर्मूले भी अभी अपने काम आ रहे होंगे, तो एग्जैक्ट डायमेंशन तो अपन क्या धीरे धीरे गेजुअली निकालना सीखेंगे। ठीक है, पर एरर यहाँ पे टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा अपने को यहाँ के सारे क्वेश्चन लगाने हैं सीट के, और जहाँ से जितने क्वेश्चन मिल सकते हैं PYQ मिल सकते हैं तो PYQ भी अपन लगाएंगे, अपनी शीट में दिए हुए हैं तो वहाँ से अपन लगा लेंगे, क्वेश्चन जितने दिए हुए नंबर ऑफ उतने तो लगा लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज एरर अपने को निकालना गया। अब अपन यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या देखते हैं कि एक मेजरमेंट लिया हुआ है, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन का, तो वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का अपन लिया जिसके सक्सेसिव मेजरमेंट की रीडिंग जो अपने पास क्या आई, वो आई उसका फर्स्ट वाला मेजरमेंट था 2.63, सेकेंड जो है X2 ये है, X3 ये, X4 ये, X5 है। ठीक है, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, देखो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, मैंने हमेशा बोला है और हमेशा आपसे बोलूँगा हर लेक्चर में कि बेटा आप जितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन जितनी है ना उसको आपने अपने समझा, और फिर उसके इन्फॉर्मेशन गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्या पूछा गया है उसके साथ रिलेशन निकाल के आपने उस पर वर्क ऑन किया तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा है जितना समझ में आया सबको? ठीक है,
तो अपन को अब ये डाटा दिया हुआ है, अब अपन को ये डाटा गिवन है कि अपने को पास पांच एक्सपेरिमेंट अपन ने किए तो उसका अपन ने टाइम ड्यूरेशन निकाला। अब बात आती है अपने को इसमें निकालना क्या है कि मेरे को एक तो कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है, दूसरी मेरे को क्या करना है रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, और तीसरी चीज कि मेरे को परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, अपने पास यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। तो अपने के पास डाटा क्या 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 होता है, एक बार मैं डाटा लिख लेता हूँ यहाँ से। तो अपने को दिया हुआ था एक्स वन जो है अपने को दिया हुआ है 2.63, ठीक है। एक्स टू अपने को गिवन है, एक्स टू क्या है अपने पास 2.56, एक्स थ्री अपने पास क्या है, एक्स थ्री अपने पास 2.42, एक्स फोर अपने पास क्या है, एक्स फोर अपने पास 2.71, ठीक है, और एक्स फाइव अपने पास क्या है 2.80, ठीक है। ये सब सेकंड में है इनकी वैल्यू, क्योंकि अपने ऑक्सीलेशन जो है टाइम ले रहे हैं तो ये सब सेकंड में है, ठीक है। अब अपने को क्या क्या निकालना है वो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि अपने को क्या निकालना है। सबसे पहले पहले अपने को निकालना है कि एब्सोल्यूट एरर निकालनी है अपने को, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर या मीन जो अपन बात कर रहे हैं कि मीन कैसे निकालेंगे कि इन सबका पहले समीशन करेंगे। तो अपन एक्स अगर निकालना चाहते हैं तो अपन जानते हैं एक्स इक्वल टू क्या होता है कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव, और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं अपने पास यहाँ पे, पांच है, ठीक है। अब इन सब का समीशन करेंगे, देख लीजिए समीशन करना तो आप लोगों को आता ही होगा यार, समीशन नहीं जानते क्या आप लोग, ये तो आप चुटकी बजाते कर सकते हैं, करके बताइए एक बार और मेरे को कमेंट पे आंसर दीजिए क्या आया देखें आपका, ठीक है। तो ऐड कीजिए, ऐड अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 6 3 4 12 हो गया, तो 2 1 अपन ने कैरी आउट किया ठीक है, ये सेकेंड है इसको 5 मत मान लेना कोई, ठीक है। तो ये जो अपने पास है समीशन आ गया, तो एक्स अपन लिख सकते हैं कि इक्वल टू क्या होगा 13.12 डिवाइड बाई 5, अपन डिवाइड करना भी अच्छी तरह जानते हैं, क्या होगा 2.624। और अपन इसको जो है अपन ने सिग्निफिकेंट फिगर देखे ही थे, अगर नहीं भी देखे हैं तो एक बार फिर से समझ लेंगे उनको, वो क्या हो जाएगा, तो एक्स अपने पास क्या हो जाएगा कि एक्स आ जाएगा अपने पास 2.62। अब देखिए अपने पास ये मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू जो अपन बात कर रहे हैं वो। अब एरर की अपन बात करें कि अपने को एरर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे कि अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे कर सकते हैं कि अपन क्या करेंगे x माइनस एक्स वन या x1 माइनस एक्स, दोनों कीजिए, बाद में तो मॉड्यूलर मोड अपने को लेना ही है, तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि इस सबको x माइनस एक्स वन कर दीजिए, ठीक है। तो इसको अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसमें से मैंने एक्स वन जो डेल एक्स वन मेरे पास क्या आएगा कि एक्स वन माइनस एक्स अपन ने किया, डेल एक्स टू क्या आएगा कि एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स अपन ने किया, ऐसे सो ऑन अपन जाएंगे, तो डेल एक्स फाइव अपने पास क्या आएगा कि एक्स फाइव माइनस एक्स अपने पास आ जाएगा। लिख ही लेते हैं सभी को एक साथ ताकि अपन यहाँ पे ही फिर ऐड करके आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो डेल एक्स थ्री भी क्या आएगा अपने पास, एक्स थ्री माइनस एक्स, और डेल एक्स फोर अपने पास क्या आएगा कि एक्स फोर माइनस एक्स, अपन इसमें से डायरेक्ट हम वैल्यू क्या डाल लेते हैं, तो डायरेक्ट क्या आएगा 2.62 को 2.63 से मैं माइनस करूँगा तो क्या आएगा कि 0.01 सेकेंड आएगा, ठीक है। 2.62 को 5.6 से माइनस करूँगा तो क्या आएगा 0.08 आएगा, ठीक है। 2.62 को मैं 2.42 से माइनस करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास कि अब देखिए ये नंबर हो गया छोटा और ये नंबर हो गया बड़ा, ये नंबर भी छोटा था ये नंबर भी बड़ा था, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन अपने पास आ जाएगा। एक्स थ्री क्या है 2.42 और ये 2.62, तो अपने पास क्या आएगा कि नेगेटिव में 0. अपन क्या करेंगे 20 मेरे पास आ जाएगा सेकंड, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ एक्स फोर को अपन निकालेंगे
x4 क्या है 2.71 है, उसमें से अपन क्या माइनस करेंगे 2.62 अपन माइनस करेंगे, तो क्या आएगा उसमें, ये क्या आएगा 0.09 आ जाएगा, सेकंड सभी के पीछे लगा हुआ है। और x5 का जब मैं डाटा निकालूंगा 2.80 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा -0.186। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। आया है डाटा सबके, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, किसी को कोई दिक्कत हो? ठीक है, अब बात करते हैं कि अपने को एब्सोल्यूट का मीन निकालना है। तो डेल एक्स अपने को निकालना है तो वो भी सिंपल क्या होगा कि डेल्टा x1 का मोड प्लस डेल्टा x2 का मोड प्लस डेल्टा x3 का मोड प्लस डेल्टा x4 का मोड प्लस डेल्टा x5 का मोड और डिवाइड बाय नंबर ऑफ अपने कितने हैं 5 हैं। इन सबको अपन ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिए सबको, तो क्या आएगा ऐड करने पे सबको, अपन यहां से ऐड करेंगे तो ऐड में अपन देख सकते हैं क्या आएगा कि यहां से ऐड कीजिए तो अपन ने मोड ले लिया, नेगेटिव को भूल जाइए, नेगेटिव अपन इलिमिनेट कर सकते हैं, यहां पर प्लस का साइन है। ठीक है, अपन यहां पे ऐड करेंगे तो क्या आया पीछे का कि 26 और 2 मैंने कैरी फॉरवर्ड किया तो 0.5। अपन ने गलती कर दी क्या, 2.x4 अपने पास था, 2.71 ठीक है, ये भी 20 भी ठीक है, 18 भी अपने पास ठीक है। ठीक है, तो अपने पास क्या आया 2.56 डिवाइड बाई 5 अपन ने किया। अब इसको अपन मल्टी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 0.11 और अपन लिख सकते हैं कि 1111 और फिर अपने पास बचा तो अपन इसको एब्सोल्यूट में इतना ही लिख सकते हैं, तो डेल एक्स अपने पास ही आ गया। तो अपन अगर फिजिकल क्वांटिटी में लिखना चाहें तो अपन ये लिख सकते हैं कि अपने पास क्या होगा एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स अपने पास क्या है 2.62 और डेल एक्स अपने क्या है प्लस माइनस हो गया 0.11। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें सीखने लायक बात क्या है कि अपन इसका अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेके देखें तो क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 2.73 आई और उसकी रेंज कहाँ तक जा रही है, मिनिमम वैल्यू जब अपन लेते हैं कि 2.51। तो अगर अपन देखें कि सिग्निफिकेंट फिगर दूसरी वाली डिजिट है उसमें तो डिफर आ रहा है, पहली वाली डिजिट में भी डिफर आ रहा है, तो अपन चाहें तो इस चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी जो है ना इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2.6 प्लस 0.1 ये भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन ने एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, अब बात आती है परसेंटेज एरर की, ये परसेंटेज कितना उसमें हुआ, तो अपन जानते हैं कि क्या होगा डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100 होगा। ठीक है, अब डेल एक्स क्या है कि मेरे पास 0.001 है तो अपन यहाँ पे 0.11 और अपन क्या कर रहे हैं 2.62 इंटू 100। ठीक है, अब ये जो वैल्यू अपने पास आएगी ये इक्वल टू आएगी 4% के, अपने पास जो एरर हुई अपन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से परसेंटेज एरर एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख लिया। ठीक है, अपना क्वेश्चन ये था, तो अपना जो आंसर आया क्या आया अपन यहाँ पे दे सकते हैं कि अपने पास एब्सोल्यूट एरर कितनी आई थी, अपने पास आई थी 2.62, मीन वैल्यू अपने पास कितनी आई 0.001 और परसेंटेज एरर की अपन बात करें तो 4% मेरे पास एरर आई। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई सभी को, इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोपोगेशन ऑफ एरर, कि एरर को अपन कैसे कैसे आगे, मतलब एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उनकी एरर कैसे कैलकुलेट अपन करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। जैसे यहाँ पे एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में अपन जानते हैं, जो एरर होती है, एरर आर ऑलवेज बी एडेड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एरर जो होती है हमेशा एडेड होती है। अब फिजिकल क्वांटिटी, अपन को एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है कि a इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा है एंड b इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा है, ये अपने को दो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है। अब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को जब अपन ऐड करेंगे, ऐड अपन ने किया या सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ऐड करने पे क्या होगा कि इसकी ट्रू वैल्यू जो है वो तो ऐड होगी। अब ट्रू वैल्यू कैसे ऐड हुई, जैसे मेरे को मान लीजिए
टेन टेन मीटर के दो लेंथ ऐड करने थे, तो 10 मीटर मैंने ऐड किया और 10 मीटर में ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली बात है वो 20 मीटर रहेगा। अब एरर की अगर मैं बात करूं कि एरर मेरे से जब उसमें मान लीजिए 0.1 की एरर है, इधर भी 0.1 की एरर है, तो मैं क्या क्या वैल्यू पहले वाले ऑब्जेक्शन में मतलब ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं कि मैंने 10 मीटर लेना था, अब 0.1 की एरर है तो मैं कम ले सकता हूं उसको या मैं उसको ज़्यादा ले सकता हूं, तो या तो मैं लूंगा उसको 9.9 या मैं उसको लूंगा 10.1। सेम अगर 0.1 की एरर इधर है तो मैं क्या करूंगा इसमें भी या तो लूंगा 9.9 या लूंगा 10.1। तो अगर मैं मैक्सिमम एरर पे जाऊं तो मैंने इधर भी 0.1 ज़्यादा बढ़ाया, इधर भी 0.1 ज़्यादा बढ़ाया, तो वो दोनों मिलके दोनों का एडिशन हो जाएगा। और मैं कम पे जाऊं तो इधर भी मैंने 0.1 कम किया, इधर भी मैंने 0.1 कम किया, तो उसमें भी मेरा क्या हुआ, एक कम में भी एडिशन हुआ। तो एरर तो हमेशा ऐड होगी, ट्रू वैल्यू जो है आपकी ऐड हो रही है और एरर भी जो है हमेशा ऐड होगी। तो अपन अगर एडिशन में देना चाहें तो क्या होगा कि एक्स को तो अपन क्या लिखेंगे, ट्रू वैल्यू तो ऐड हो जाएगी अपनी और एरर भी जो है अपनी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए अपनी डेल्टा भी एरर है, यहाँ पे डेल्टा ए एरर है, तो अपने पास जो रिजल्ट क्या आएगा कि रिजल्ट जो अपने पास आएगा उस दोनों से मिलके कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है ए प्लस बी और डेल्टा एक्स क्या है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सबसेक्शन की अपन बात करें तो उसमें भी सेम बात है कि ए माइनस यहाँ पे डेल बी लिखा हुआ है, ए माइनस अपन इसको नहीं, ठीक है, एक्स की वैल्यू अपने को यहाँ दी हुई है कि ए की वैल्यू ए प्लस बी है और डेल एक्स की वैल्यू डेल ए प्लस बी है, तो अपने पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आई कि एक्स की वैल्यू ए माइनस बी होगी। उनमें अगर मान लीजिए मेरे पास से इधर मैं 20 मीटर की लेंथ अब मेजरमेंट कर रहा हूँ, इधर मेरे पास 10 मीटर की मेजरमेंट है, अब इन दोनों को मैं घटाना चाह रहा हूँ, मतलब इसमें से ये माइनस करना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है 20 में से 10 माइनस हो जाएगा। पर एरर की अपन बात करें, इसमें 0.1 की एरर है, इसमें भी अभी इसमें मान लीजिए 0.2 की एरर है, ठीक है, तो अब मैं मेजरमेंट करूंगा तो क्या करूंगा 19.8 इधर मेजरमेंट होगा या क्या होगा 20.2 मेजरमेंट होगा, ठीक है। अब इसकी जो एरर है वो कितनी है, इसमें मान लीजिए 0.1 है, ठीक है, अब इसमें से ये जब माइनस करूंगा तो मैक्सिमम इसकी एरर लूंगा और उसमें माइनस करूंगा तो इसकी क्या होगी एरर भी ऐड हो जाएगी, और सेम अगर उसमें एरर भी ऐड हुई और क्वांटिटी भी ऐड हुई तो ऐसे अपन एक्स क्या होगा ए माइनस भी हो जाएगा और डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, ठीक है। इस पे अपन एग्जांपल भी देखेंगे एक दो और आपकी शीट के अंदर भी अच्छे से सवाल है तो वो भी अपन करेंगे इसको, ठीक है। बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, कि मल्टीप्लिकेशन जब अपन करते हैं या डिवीजन अपन जब करते हैं तब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए अपने को कोई वैल्यू दी हुई है कि ए और बी, वही सेम चीज़ अपन ए मान रहे हैं कि ए कोई क्वांटिटी अपने को दी हुई है और बी अपने को दी हुई है, अब दोनों की एरर को अपन मल्टीप्लाई मतलब दोनों की वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें अपन क्या लिखते हैं कि x इक्वल टू ए बी है तो डेल x क्या होगा, अपन ने वही माना था ना कि एक अपने को क्वांटिटी क्या हुई थी a प्लस डेल्टा a दी हुई है और एक क्या दी हुई है दूसरी वाली क्वांटिटी b प्लस डेल्टा b की माने अपने पास, ठीक है। तो x तो हो जाएगा अपने पास a प्लस b है ना, और डेल एक्स को अपन कैसे निकालेंगे, एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एरर जो होती है डेल एक्स बाय एक्स इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी होती है, ठीक है, ये इसको गिवन होता है कि उसमें जो डेल एक्स बाय एक्स एरर जो होगी वो क्या होगी कि पर्टिकुलर ए की एरर प्लस बी की एरर जो हो जाएगी, जैसे अपन ने बात की, ठीक है। अब इसको अपन डेल एक्स को कैलकुलेट करना चाहे तो डेल एक्स को उधर फॉरवर्ड कर देंगे तो डेल एक्स इक्वल टू डेल ए बाई ए और प्लस डेल ए बाई बी और ये मल्टीप्लिकेशन में एक्स हो जाएगा। सेम एज डिवीजन में भी क्या होता है कि डिवीजन में भी एरर एड होती है, अगर एक्स इक्वल टू ए बाई बी दिया हुआ है मतलब ए और बी अपने को दो क्वांटिटी दी हुई है तो एक्स जो उसका वैल्यू होगा तो सेम एज डिवाइड होगा और एरर जो उसकी होगी वो एडिशन में जाएगी, ठीक है। इसको अपन एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि एडिशन में कैसे जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने को एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक वाला क्वेश्चन आप करके बताइए, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए देखिए इसको। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मेजर बाई थर्मामीटर आर T1 जो अपने को दिया हुआ है कि T1 क्या दिया हुआ है मेरे को कि 20 प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 जो मेरे को गिवन है कि टेम्परेचर ऑफ सेकेंड वाला क्या है कि 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5, तो ये जो है इसका मेजरमेंट है, एरर कितनी है 0.5 डिग्री, ऐसा जो अपने पास स्केल है उसमें एरर क्या है 0.5 डिग्री एरर कैलकुलेट कर रहा है।
तो अपने को क्या करना है कि टेम्परेचर में कितना डिफरेंट आ रहा है उसके अंदर वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप लोग सोचिए कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो अपन ने इसमें गिवन डाटा देखा कि गिवन डाटा T1 और T2 है, कौन सा वाला बड़ा है कि बाद वाला टेम्परेचर बड़ा है। जैसे अपने को बुखार आती है तो पहले वाला टेम्परेचर क्या होता है, अपने को नॉर्मल टेम्परेचर होता है, पर बाद में अपना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अपन क्या बोलेंगे, कितना टेम्परेचर बढ़ा, कि बाद वाला जितना बड़ा उसमें से पहले वाला माइनस करेंगे। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ा तो हो सकता है वो एरर गलत बता रहा हो कि 1 डिग्री उसने ज़्यादा बता दिया हो, तो 1 डिग्री जो ज़्यादा क्यों बताया, क्योंकि पहले भी कुछ एरर थी बाद में भी कुछ एरर थी तो और ज़्यादा एरर मिक्स होगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखें कि टेम्परेचर डिफरेंस को अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मेरा जो टेम्परेचर डिफरेंट होगा वो क्या होगा, T2 - T1 होगा। ठीक है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा जो टेम्परेचर क्या गिवन है 20 + 50। ओके, तो T1 जो मेरे को गिवन था कि T1 मेरा क्या था, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन अपन 1 का करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो पहला अपन यहाँ पे कर रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं कि T1 मेरे को क्या गिवन है 20 + 0.5। ठीक है, और T2 मेरे को क्या गिवन है कि 50 + 0.5। तो अगर मैं बात करूं कि मेरा का टेम्परेचर डिफरेंट क्या होगा कि T2 - T1 होगा, T2 - T1 क्या होगा अपना टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो T1 - T2, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी कि x, अगर अपन इसको a और b मान के करें तो इनमें क्या होगा कि उसकी जो ट्रू वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि अपने पास क्या हुआ कि 50 - 20 आ जाएगी। और इसका जो डेल x आएगा, इसको तो अपन ले x प्लस डेल x लिखेंगे ना। अब डेल x क्या होगा कि दोनों की जो एरर है प्लस माइनस में जो एरर है वो यहाँ पे प्लस और माइनस में अपन ऐड कर लेंगे तो क्या होगी 0.5 और 0.5 1.0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास x प्लस डेल x आ गया और t, तो ये अपने पास t अपना जो आंसर में है वो आ जाएगा। इस टाइप से अपन क्या करेंगे कि उनका डिफरेंस अगर ले रहे हैं दो टेम्परेचर का तो मेन वैल्यू का डिफरेंस और एरर को हमेशा ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, डेल x की वैल्यू अपन बात करें तो अपन ने कैसे निकाले, डेल x 0.5 + 0.5। ये कभी कभी क्या है, आप लोग गलती कर देंगे एग्जाम में, इस वजह से इस पॉइंट पे इतना गौर दिया जा रहा है कि जब भी सब्ट्रैक्शन वाला एग्जाम्पल ही क्यों लिया, एडिशन वाला क्यों नहीं लिया। एडिशन में तो आप एडिशन करके ही आएंगे पर सब्ट्रैक्शन में आप गलती ना करें, इस वजह से इस वाला एग्जाम्पल लिया गया। ठीक है, अब बात करें एक सेकेंड वाले एग्जाम्पल की। अपन को दो रजिस्टर गिवन है, ठीक है, रजिस्टेंस गिवन है। रजिस्टेंस अपन जानते हैं, अपन ने अभी तक थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, इतना तो मैं जानता हूँ कि आपने थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ी है जिसमें आप ये तो जानते हैं V = IR। तो वहां से अपन R की वैल्यू क्या लिखते हैं कि R = V/I। ठीक है, ये अपने को गिवन है, जहां पे अपने को V की वैल्यू दी हुई है कि वेहर V = 100 ± 5 वोल्ट। कि जब वोल्टेज अपन डिवन करते हैं तो वोल्टेज क्या आता है, 100 आता है, पर उस स्केल में एरर का वैल्यू कितना है कि 5 उसके स्केल जो है उसमें एरर आ जाता है। तो हो सकता है जब मैं उसको मेजरमेंट कर रहा हूँ मेरे अपने हाथ से, या आप जो है उसको मेजरमेंट कर रहे हो सकता है वो आप 95 भी बताओ और हो सकता है 105 भी आप उसको मेजर कर लो। ठीक है, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो। और करंट जो उसमें गिवन है कि करंट के लिए अपन ने उसमें जब करंट मीटर में देखा तो वहां पे क्या गिवन था कि करंट का वैल्यू जो है उसमें अपने को गिवन है कि 10 ± 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब अपने को क्या बताना है कि परसेंटेज एरर बताना है कि किसका, रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर। ठीक है, अब बात आ रही है कि R जो है V/I है, तो अब बताइए कि परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे। तो ये कहीं का एग्जांपल हुआ अपने पास कि डिवीजन का एग्जांपल हुआ, डिवीजन में अपन परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं कि परसेंटेज एरर मेरे को निकालनी है। तो परसेंटेज एरर कैसे गिवन होती है कि परसेंटेज एरर अपन इसे निकालते हैं कि डेल, अपन अभी आर की बात करें कि एरर कैसे निकालेंगे, del R by R = del V by V + del I by I। इसमें किसी को डाउट है, ये तो समझ में आया ना सभी को कि कैसे ये चीज आई, क्योंकि जब भी डिवीजन में होगा तब भी एरर तो उसकी क्या होगी, एरर तो उसकी हमेशा एडिशन में ही आएगी। और परसेंटेज की अपन बात करें, अगर मेरे को मान लीजिए इसका परसेंटेज निकालना है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है,
और मेरे को इसका परसेंटेज निकालना है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को आर का परसेंटेज एरर निकालना है रेजिस्टेंस का, तो इंडिविजुअली मैं वोल्टेज का परसेंटेज एरर निकालूं, करंट का परसेंटेज एरर निकालूं और उन दोनों को एडिशन कर दूं। ये बात सही है, करेक्ट है इसमें। तो अपन क्या करेंगे कि अपन इसको सॉल्यूशन यहां पे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, तो वी अपने को क्या दिया हुआ है, वी अपने को दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और I अपने को गिवन है, I क्या है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पीयर। ठीक है, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज एरर में कैलकुलेट करता हूं, तो डेल V बाई वी इंटू 100, तो कितना आ जाएगा कि 5 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये तो कितना हो गया परसेंटेज में, ये तो हो गया 5%। ठीक है, और अगर आई की परसेंटेज एरर अपन निकाले, ये तो समझ में आया ना कैसे आया, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, डेल भी ये है, ओरिजिनल वैल्यू अपने पास ये है, तो परसेंटेज एरर ये आ जाएगी, और आई की परसेंटेज एरर निकालें तो डेल आई बाई आई इंटू 100, तो ये क्या आया अपने पास 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो इसकी परसेंटेज एरर क्या आई अपने पास 2% आई। तो अगर अपन बात करें कि मेरे पास डेल आर की परसेंटेज एरर क्या आएगी, तो वो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि डेल वी बाय वी इंटू 100 प्लस डेल आर बाय डेल वी इक्वल टू, अपन ने देखा ना आई आर, तो डेल आई बाय आई इंटू 100, तो अपने पास ये कितनी है, ये है अपने पास 5% एरर, और ये अपने पास है 2% एरर, इन दोनों को एडिशन किया तो मेरे पास टोटल आई आर में 7% एरर। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये अपना। ठीक है, ऐसे अपन ने दो क्वेश्चन देखा। अब एक अपने पास एक इक्वेशन दी हुई है कि इक्वेशन है कि जेड इक्वल टू ए की पावर 4, बी की पावर 1/3, सी की पावर सी की पावर कुछ है ही नहीं 1 है, और डी की पावर 3/2, और उसमें अपने को रिलेटिव एरर इन जेड देनी है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा अपने पास सवाल है। क्या है इस सॉल्यूशन में लिखूं थर्ड वाले क्वेश्चन का, क्या है मेरे पास थर्ड वाला क्वेश्चन, एक बार अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपने को जेड गिवन है, कि जेड क्या गिवन है अपने को कि ए की पावर जो है 4 दी हुई है, बी की पावर अपने को 1/3 गिवन है और डिवाइड में है। ठीक है, सी की पावर 1 है वैसे देखा जाए तो, और डी की पावर 3/2। अब दिमाग लगाइए इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, कि अपने को इसको सोल्व करना है तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, इसकी परसेंटेज एरर जो अपन गिवन करेंगे वो कैसे करेंगे, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि डेल जेड बाई जेड अपने को फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू अपन जाने तो उसको कैसे अपन गिवन करेंगे। कोई इच्छुक हो कमेंट कर में आंसर दीजिए कि कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो कैसे अपन इसको देखेंगे कि अपन ने कैसे स्टार्ट किया इसमें, कि अपन इसको फाइंड आउट करेंगे कि अपने पास अपन जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जब एरर होती है तो वो एड होती है। ठीक है, अब मान लीजिए वो जो एरर है वो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए जो है वो ऐसे भी तो हो सकता है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मतलब वो एक चीज ही चार बार तो मल्टीप्लाई है, तो चार बार मल्टीप्लाई में अपन क्या देखें कि एक बार अगर कोई चीज मल्टीप्लाई है तो सिंपल सी बात है वो एड होगी, या इसमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं 4 डेल ए बाई ए, क्या यह सही बात लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने ऐसे लिखा। फिर बात आ रहा है इसके साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो एरर तो हमेशा एड होती है, अपन ये बात जानते हैं, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं उसकी जो पावर है वो आ जाएगी आगे 1/3 और डेल बी बाई बी। ठीक है, फिर बात करें कि डिवाइड में अब कुछ दिया हुआ है, तो डिवाइड की भी अपन जानते हैं कि डिवाइड भी एडिशन में आता है, तो सी में तो कुछ पावर नहीं है 1 है, तो उसको तो डायरेक्ट सी बाई सी लिख सकते हैं,
और बात आए कि डीवी की पावर की, तो डी की पावर क्या है, 3/2 डेल डी बाई डी। तो इस तरह से अपन इसको गिवन कर सकते हैं कि अपन ने इसका इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन आएगी तो उसको गिवन कर सकते हैं अपन ऐसे। अब हो सकता है कहीं आपसे कुछ इक्वेशन दे ले, फोर्स का पूछ ले कि फोर्स इक्वल टू एम ए स्क्वायर है, एम में इतनी पावर है, एम में इतना वेरिएशन है, या इतनी मेरे पास एरर होगी एम में कि मास को जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कुछ एरर आ रही है, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहा हूँ या वेलोसिटी को जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कुछ एरर आ रही है, और टाइम में कुछ एरर आ रही है, तो उसको कैसे दूंगा मैं। कि अपन ये चीज़ जानते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए, और उसने तो अपने को ये दिया ही नहीं कि एक्सेलरेशन में कितने, उसने तो दिया कि मास में और वेलोसिटी में और टाइम में एरर है, तो अपन कैसे इसको लिख सकते हैं, एम वी बाई टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन इसकी एरर निकाल लेंगे कि एम को अलग करेंगे, एम की एरर को अलग करेंगे, डेल एम बाई एम करेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे डेल वी बाई वी की एरर और प्लस डेल टी बाई टी की एरर ऐड करेंगे, ठीक है। और उससे अपने को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, उससे अपन क्या करेंगे कि उसके फोर्स में कितनी एरर है, परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ये जो है अपना पहला जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन मेजरली पूरा हो गया। एक बार सिग्निफिकेंट फिगर फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री वाले सर ने आपको अच्छे से पढ़ा होता है, केमिस्ट्री में काफी डीप में आता है ये वाली चीज, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें कि एक अपने को प्योर नंबर दिया हुआ है, कि अपने को प्योर नंबर दिया हुआ है और अपन से पूछ लिया कि प्योर नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो उसमें अपन क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। फिर अब बात आती है कि अपने पास और जो नंबर है वो अपने पास डेसिमल में दिया हुआ है, नॉन डेसिमल में दिया हुआ है, तो नॉन डेसिमल की अपन बात करें कि अपने पास नॉन डेसिमल नंबर दिया हुआ है, तो नॉन डेसिमल नंबर में जो होता है कि अपने पास 1 to 9 में डिजिट जो गिवन होगी वही अपने पास उसकी अपने जो है सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे मान लीजिए अपने को दे दिया उसने कि अपने पास क्या है कि 1, 2, 3, 4। अब उसने ये अपने को क्वेश्चन में दे दिया कि एक नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगी, तो इसमें अपन डायरेक्ट बता सकते हैं इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। बात करें कि इसमें अगर 0 आएगा तो क्या करेंगे, आगे अपने पास 0 आएगा जैसे 1, 2, 3 आ गया, तो उस 0 को अपन काउंट नहीं करते हैं, तो भी अपने पास क्या होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। पीछे अगर 0 आएगा तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए मेरे को दे दिया 100, तो इस 0 को भी काउंट नहीं करते हैं और इस 0 को भी काउंट नहीं करते हैं, तो अपने पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 होगा। पर अगर यही 0 अपने पास बीच में आ जाता है, दो नंबर के बीच में आ जाता है, जैसे 1, 0, 2 आ गया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें 1 को भी काउंट करेंगे, 0 को भी काउंट करेंगे और 2 को भी काउंट करेंगे। तो ये जो है ये वाला पॉइंट अपने को, ये तो वैसे पता होता है, ये वाला पता होना चाहिए कि अगर एक नंबर आ रहा है उसके बाद अगर 0 आ रहे हैं तो काउंट नहीं होता है, क्योंकि इसको क्या होता है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1 × 10⁻², तो उधर उसकी पावर में चला गया तो वहां पे काउंट नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी भी जब दो नंबर को ऐड करते हैं, पहले डेसिमल वाला देख लेते हैं कि डेसिमल में क्या होता है, तो डेसिमल की अपन बात करें कि डेसिमल में मेरे को एक नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मेरे को दे दिया 10.00, तो इसमें हमेशा डेसिमल के बाद वाले भी काउंट होते हैं, डेसिमल के पहले वाले भी काउंट होंगे। बाद वाले का मतलब कि ये वाला डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट, तो इसमें क्या सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कि 1 और 0 तो काउंट होगा क्योंकि बीच में आ रहा है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब मान लीजिए इसमें आया 102.15, तो इसमें क्या होगा कि ये 0 भी काउंट होगा, इसमें क्या होगा कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। पर मान लीजिए इसके आगे 0 आ रहा है, 0.15 अपन ने लिख लिया, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो यही 2 सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ पे काउंट होंगे अपने पास, ठीक है। अब बात करें कि अगर मान लीजिए मेरे को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना है, कि अपने को किसी भी दो चीज़ का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। अब अपन कुछ एक्सरसाइज शीट में से अपने कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों ने ट्राई किया होगा पक्का, मैं होप करता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले तो हो ही सही, ठीक है। तो अपने ऐप के अंदर सब अपनी शीट को ओपन कर लीजिए, ठीक है, वहाँ से अपन कुछ क्वेश्चन अपन ट्राई कर लेते हैं कि जैसे
अपन बात करें, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर अपन ने देखे, कुछ एरर देखी और जो है अपन ने यूनिट निकालना सीखा। ठीक है, तो बात आती है अपना जो प्रैक्टिस शीट है उसका सेक्शन ऐसे अपन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सा इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल सा पूछा गया है आपको, एक एंगस्ट्रॉम यूनिट की लाइट की डिस्टेंस का पता करना है। ये भी कोई फोर्थ क्वेश्चन में आपको जो है अपना जो है करंट की यूनिट निकालनी है, तो करंट की यूनिट आप निकाल सकते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी अपन लोग जानते ही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया होगा फोर्स का क्या यूनिट होगा, तो फोर्स का यूनिट अपन न्यूटन जानते हैं। अब हो सकता है वो मिली न्यूटन हो, यहाँ पे मिली न्यूटन वाला बात आ रही है। ठीक है, रेडियन को जो है डिग्री को रेडियन के साथ कन्वर्जन की बात आ रही है, तो अपन ने देख लिया था। ठीक है, अब इसमें अपन कुछ और अच्छा सा अपने को दिया हुआ हो, देखिए ये एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट अपने स्पीड ऑफ लाइट अपने को दी हुई है। क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸। ये बात अपन जानते हैं सब लोग कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कि 3 × 10⁸ होती है। तो इसमें जो इसने पूछा हुआ है कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होता है कि 10⁻ जो भी होती है, ये अपन जानते हैं इसकी स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड होती है क्योंकि ये स्पीड है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उतनी होगी। तो सिग्निफिकेंट क्या फिगर, इसकी पावर क्या होगी, ये पावर 8 है। तो अपने से इसमें पूछा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट का जो है अपने पास मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अपने पास 8 हो जाएगा, तो आंसर अपना जो है ये हो जाएगा, ये अपना 11th वाला क्वेश्चन का। ठीक है, अब बात करें तो इसमें जो है एक क्वेश्चन और है 20 अपना जो 12th वाला क्वेश्चन है कि शीट का ए पार्ट का 12th वाले क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है कि मोस्ट प्रीशियस रीडिंग ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अमंग द फॉलोइंग। तो ऑप्शन अपने को क्या क्या दिए हुए हैं, ए ऑप्शन अपने को दिया हुआ है कि उसमें जो है 20 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, बी अपने को दिया हुआ है, बी जो है 20.0 ग्राम दिया हुआ है। सी अपने को ऑप्शन दिया हुआ है कि सी जो ऑप्शन है अपने पास 20.01 ग्राम है, और डी जो ऑप्शन है अपने पास, डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि 20 × 10⁰ ग्राम। तो इसमें आप लोग बताइए कि इसमें मोस्ट प्रीशियस रीडिंग क्या होगी, कि एक्यूरेट कहाँ पे अपन कितना ज़्यादा एक्यूरेट उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ए ऑप्शन अपने पास है 20 ग्राम, बी ऑप्शन है 20.0 ग्राम, और सी ऑप्शन है अपने पास 20.01 ग्राम, और जो लास्ट ऑप्शन है अपने पास 20.10⁰ ग्राम। देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, अगर मैं मेजरली रीडिंग लेना चाहूँ, अगर मेरे को और ज़्यादा अच्छे से नापना है, मतलब मेरे को ग्राम के अंदर भी, अगर ग्राम की छोटी यूनिट पे भी जाना है, तो क्या मेरे पास मोर डाटा होना चाहिए। अब इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो मैं 20.9 तक ही मेजर कर सकता हूँ ना, इसमें तो मैं 20 से 21 पे ही जंप करूंगा, इसमें से मैं 20.1 पे जंप करूंगा, इसमें से क्या मैं 20.02 ग्राम भी माप सकता हूँ, तो ज़्यादा एक्यूरेट ये हुआ कि नहीं हुआ। ये तो बात है कि जीरो है तो ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया है, तो दोनों सेम है सही। ठीक है, इन दोनों के बीच में जाते देखें कि किसका सिग्निफिकेंट फिगर भी ज़्यादा है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन शीट का क्वेश्चन देखें, तो अपने पास ऐसे ही जब रीडिंग दी हुई होगी, एक पावर में भी अपने को दिया हुआ है, जैसे अपन ने बात की कि मोस्ट प्रीशियस रीडिंग में, तो उसमें अपने को क्या दिया हुआ है कि इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें कि अपने को सिंपल सी बात है, अपन इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। ठीक है, 14 क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है कि उसमें दिया हुआ है कि 3 की ए ऑप्शन अपने पास है कि 3 × 10³। ठीक है, बी ऑप्शन अपने पास क्या है कि बी ऑप्शन अपने पास है कि 0.0030, और ये सब अपने पास क्या है, मीटर में है। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन जो अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन में है, और क्वेश्चन है 30 × 10⁴, और डी जो ऑप्शन अपने पास गिवन है, डी ऑप्शन अपने पास गिवन है कि 300 × 10⁵ मीटर। अब अपने को कोई रीडिंग ऐसे फॉर्म में दी हुई है, तो सबसे मोस्ट प्रीशियस रीडिंग या सबसे एक्यूरेट रीडिंग क्या होगी, ये सबसे एक्यूरेट रीडिंग अपन किस में नाप सकते हैं,
ठीक है। अब इसको अपन अगर देखें तो एक बार में अपने को समझ में नहीं आ गया, तो सबको सेम कीजिए। तो सेम करेंगे तो कैसे करेंगे कि अपन इसको लिख सकते हैं, जैसे इसको तो दिया हुआ है 3 × 10³, ठीक है, अपन ने इसको लिखा तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3.0 × 10³, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो अपना ये वाला है, तो इसको अपन लिखेंगे कि ये भी अपन है 3.0 × 10⁻³, ठीक है, और ये जो है 3.00 × 10⁻³, ठीक है, -3 का। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है, एक तो जिसकी पावर नेगेटिव होगी वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा, तो पहला और दूसरा तो अपना वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। बात करें कि इन दोनों में, तो इन दोनों में 3.0 और 3.00 है, तो प्रीशियस आंसर कौन सा वाला देगा, कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है अपना ज्यादा प्रीशियस अपने पास आंसर देगा। तो ये जो है अपनी यहां तक की बात हो गई, तो अपन चाहे तो सिग्निफिकेंट फिगर को यहां से और क्लियर कर सकते हैं। आगे बात आती है कि और ज्यादा अपन क्वेश्चन देखना चाहें तो एक जो है अपन परसेंटेज एरर वाला भी देख सकते हैं, परसेंटेज एरर अपन ऊपर सोल्व करते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज एरर की बात करें तो इसमें अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा है ये, तो एक आर बाई बी वाला दिया हुआ है, जो अपने पास 17 वाला क्वेश्चन था, एक दिया हुआ है कि एक जो है रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है अपने को, उसमें क्यूब की जो रिलेटिव एरर जो दी हुई है अपने को, साइड की जो रिलेटिव एरर दी हुई है वो दी हुई है, साइड में जो रिलेटिव एरर है वो अपने पास 0.27 दिया हुआ है, किसमें 0.027 अपने को दिया हुआ है डेल एल बाई एल, ठीक है। और अपने से पूछा गया है कि अपन उसका वॉल्यूम अपन मेजरमेंट करते हैं, तो वॉल्यूम में, हाँ वॉल्यूम में रिलेटिव एरर क्या होगी, कि वॉल्यूम की जो रिलेटिव एरर होगी वो क्या होगी, तो अपन क्या जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, कि वॉल्यूम जो होता है वो होता है एल क्यूब होता है, ये बात सब लोग जानते हैं, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है। तो अपने को वॉल्यूम की रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है, तो डेल वी बाई वी अपने को फाइंड आउट करना है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 × डेल एल बाई एल, और अपने को क्या दिया हुआ है, डेल एल बाई एल दिया हुआ है, गिवन है 0.027, तो इससे जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, तो 0.081 अपने पास आंसर आ गया। इसमें किसी को डाउट, ठीक है। तो ये जो है अपने रिलेटिव एरर के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग जो हैं उसमें जाइए, अच्छे से अपने चैप्टर के अंदर जो है क्वेश्चन लगाइए, कोई भी डाउट आपको आता है तो उसके लिए मैं हूं यहां पे आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उसको अच्छे से समझिए, उसके ऊपर वर्क ऑन कीजिए, एक दो बार चैप्टर को रिविजन कीजिए, फॉर्मूले कुछ आपको पता होंगे, कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, रिलेटिव एरर के जो फॉर्मूले हैं आपको सबको पता है कि एरर जो है हमेशा ऐड करनी है, बाकी आपको डायमेंशन के कोई फॉर्मूला नहीं आता है तो ऐसा मत सोचिए कि वो जो डायमेंशन आप निकाल नहीं सकते, जब आपको फॉर्मूला आ जाएगा तो वो डायमेंशन भी आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जाके अपनी शीट आज कंप्लीट कर लेना, अपनी जो यूनिट एंड डायमेंशन की शीट है अपने पास दिन है अब, तो उनको धीरे धीरे साथ साथ कंप्लीट कीजिए, ताकि अपना अगर कोई भी क्वेश्चन आए अब यूनिट एंड डायमेंशन में से, एरर में से आए, सिग्निफिकेंट फिगर में से आए, अपने पास डायमेंशन में से आए, कुछ यूनिट अपन से पूछी जाए, तो उसको अपन एग्जैक्ट रिप्लाई दे पाए कि ये जो आंसर होगा, और अपन अपना स्कोरिंग बढ़ा पाए। तो आज जो है अपना चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन अपन फिनिश करते हैं, यहाँ पे अपन उसको बाइंड अप करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कनेक्ट करने के लिए आपके पास ऐप के अंदर आप क्लास ले रहे होंगे, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, चैट के अंदर आप रिप्लाई कर सकते हैं आपको जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मजे से पढ़िए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में जो है प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपको नीट में इस बार की तरह अगर स्कोर करना है जैसे बच्चों ने स्कोर किया है, और अगर आप स्कोर करने से चूक गए हैं, फिर उस पर मेहनत कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो 100% आप स्कोर करेंगे। आज से ही अपन प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, तब जाके अपन का फ्रूटफुल रिजल्ट
एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।